एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं मल्टीग्रेन आलू का पराठा। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ऐसी हेल्दी रेसिपीज की अपडेट चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें। हम स्टफिंग की तैयारी कर लेंगे। मेरे पास है ये बॉयल्ड आलू, ये दो बॉयल्ड आलू है, यहाँ पे है बारीक कटा हुआ प्याज, ये है भुना हुआ जीरा का पाउडर, यहाँ पे है ये काली मिर्ची का पाउडर। आप ये ऑप्शनल है, अगर आप इसे यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो इसकी जगह हरी मिर्ची का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे है ये अजवाइन। तो सबसे पहले हम सब चीज़ को मिक्स कर देंगे। और डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, स्टफिंग मेरी तैयार हो गई है। अब हम लगा लेंगे अपना मल्टीग्रेन आटा। तो देखते हैं क्या क्या हमें अपना आटा लगा देंगे। मैंने आटा यूज़ किया है, यह है एक कटोरी जितना रागी का आटा, यहाँ है ये एक कटोरी जितना मकई का आटा, और यह है एक कटोरी जितना प्लेन व्हीट फ्लार। हम इसमें नमक बहुत कम डालेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी स्टफिंग में हमने थोड़ी सी नमक डाली है, तो इसलिए इसका इसमें नमक का क्वांटिटी बहुत कम होगा, नहीं तो नमक आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मैं बस इतना सा ही यूज़ कर रही हूँ। तो चलिए आटा को लगा लेते हैं। धीरे धीरे पानी को डालते हुए हम आटा लगाएंगे। हमें आटे को बहुत ज़्यादा नरम नहीं लगाना है, ये मीडियम रहेगा, नहीं तो हम इसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। देखिए आटा एकदम तैयार है, बहुत ज़्यादा नरम नहीं लगा है आटा। मैंने आटे की एक लोई ले ली है। अब हम इसे बेलेंगे। पहले थोड़ा हम इसको बेलेंगे, प्लेन व्हीट फ्लार से बेल लेंगे। ये मैंने व्हीट फ्लार ले लिया, अब हम इसको थोड़ा छोटा बेल लेंगे। अब हम इसमें स्टफिंग लेंगे, इसे कटोरा जैसा बना लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे हमारे आलू की स्टफिंग और इसे एकदम पेड़े की तरह जोड़ लेंगे। हम इसे बेलने से पहले पहले हल्के हाथों से इसे फैला देंगे ताकि आलू हर जगह इवनली इसमें फैल जाए। बिल्कुल ऐसे हल्के हाथों से हम इसको फैलाते रहेंगे। और इसमें क्योंकि रागी है और आटा की मात्रा बहुत कम है उसके कंपैरिजन में, इसीलिए हम उसे इंस्टेंटली नहीं बेलेंगे, नहीं तो रोटी फट जाएगी और आप फिर इसे और नहीं आगे बढ़ पाएंगे। मुझे जितना आलू फैलाना था मैंने फैला दिया, अब ये चारों तरफ इवेनली फैल चुका है। अब हम इसे हल्के हाथों से बेलेंगे, बिल्कुल हल्के हाथों से, ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करेंगे, नहीं तो सारी स्टफिंग आलू की बाहर आ जाएगी और आप इसे और नहीं बना पाएंगे। देखिए कोई भी स्टफिंग इसकी बाहर नहीं आ रही है और कितना अच्छा ये बेल भी रहा है, हड़बड़ी बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि रागी है, मकई का आटा है, तो ये अच्छे से गूंथता नहीं है ये आटा, ये ग्लूटेन फ्री आटा होता है, इसीलिए इसको गूंथना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर पराठा बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। पैन मैंने ऑलरेडी चढ़ा दिया है, अब इस रोटी को भी मैंने उठा लिया है। अब इसे हल्के हाथों से हम इसे पैन पे तवे पे डाल देंगे, बिल्कुल ऐसे। हमें पराठा एकदम मीडियम आंच में पकाना है, बिल्कुल हाई फ्लेम में नहीं पकाएंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे भी नहीं, क्योंकि लो फ्लेम पे अगर आप ज़्यादा देर तक पकाएंगे तो रोटी बहुत ज़्यादा कड़ी कड़क हो जाएगी और इसे खाने में दिक्कत होगी। रोटी एक तरीके से एक तरफ से सिक गई है, अब मैं इस रोटी को पलट दूंगी बहुत ही हल्के हाथों से। ये मैंने इसे पलट दी है। अब हम इस साइड में घी लगा लेंगे। आप जिस भी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं पराठा बनाने के लिए आप कर सकते हैं, मैं घी का ही इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि यही हेल्दी है। अब मैंने इसे
लगा लिया है। अब दूसरे साइड को पकने देंगे, तब हम इसे पलट देंगे। देखिए पराठा कितना अच्छे से पक गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। दोनों तरफ से पक चुका है। रेडी है गर्मा गर्म मल्टीग्रेन आलू का पराठा, जिसे आप सुबह एज अ ब्रेकफास्ट होममेड अचार के साथ भी खा सकते हैं या किसी भी सब्जी के साथ भी खा सकते हैं। ये सबके साथ बहुत अच्छी लगेगी। और आगे बता दूं, अगर आपको रोजमर्रा रेसिपी की कोई हेल्दी अपडेट चाहिए तो मेरे चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिए। मैं फिर मिलूंगी आपको एक ऐसे ही अपडेट लेकर आके। तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी।